बहुत स्वागत है जी सारे स्टूडेंट्स का एक बार फिर हाजिर हाँ। यूएसए के उत्ते अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हाँ। मेरे नाल मौजूद ने मैडम वीना गोयल। सो मैडम वीना गोयल बहुत वड्डा एक्सपीरियंस रखते हैं, 25-26 साल तो स्टूडेंट्स नू गाइड कर रहे हैं वक्-वक् कंट्रीज़ लई, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। अज यूएसए की बड़ी इंपॉर्टेंट गल करनी है। यूएसए बहुत ज़्यादा तेज़ी के नाल इंडियन स्टूडेंट्स नू वीज़ा ग्रांट कर रहा है, यदा रीज़न की है? क्योंकि इस तरीके दी चर्चावां ने कि जिहड़े आस छड़ चुके सी ओह वी यूएसए दा वीज़ा अजकल हासिल कर रहे ने, अजिहा क्यों हो रहा है? दूसरा, हुण किस तरह साढ़े स्टूडेंट जिहड़े फ्रैश पास आउट ने या पुराने गैप वाले स्टूडेंट्स ने या वो स्टूडेंट जिहड़े कनेडा भी नहीं जाना चाहुंदे, आस्ट्रेलिया भी नहीं जाना चाहुंदे या उन्हां दी रिफ्यूजल्स ने, वो किस तरह यूएसए दे विच जा सकदे ने? क्योंकि इंटरव्यू बहुत उन्हां लई हौआ है, कि इंटरव्यू दे विच वी किसी तरह की रिलैक्सेशन है यूएसए की गवर्नमेंट वालों? ये सारे सवाल असी अज मैडम वीना गोयल उन्होंने करांगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, थैंक यू सो मच। मैम, यूएसए बड़ी तेज़ी के नाल वीज़ा दे रहा, ये पिछले रीज़न की है? मैं हर किसी को देख रहा कि यूएसए के वीज़े बड़ी तेज़ी नाल आ रहे हैं। यूएस का वीज़ा तेज़ी नाल ते नहीं आ रहे, ये नहीं कहूँगी, बट यूएस का वीज़ा सिलेक्टिव है, अच्छे स्टूडेंट्स का आता है जी। यूएस दे विच की फायदा है कि यूएस दे विच जिहड़ी है फीस जिहड़ी है यूनिवर्सिटी की, वह वीज़ा दे बाहर जाती है, तो बच्चे का लॉस जिहड़ा है वह बहुत ही घट है। एम्बेसी फीस है, सेविस फीस है, I-20 फीस है जी, है ना, दो तीन छोटी छोटी फीस है और वीज़े दे बाद उन्हां दा फीस आती है, तो बच्चे नूं बहुत इंडिपेंडेंस दित्ती हुई है। इत्थे जिहड़ी यूनिवर्सिटियां वह विदाउट आयल्स आर विद आयल्स लैंदियां जी। मैं तुसी कहोगे कि बच्चा विदाउट आइल्स वाला बोल नहीं सकता, हाँ बच्चा जेड़ा कॉम स्किल्स अच्छे है इंटरव्यू फेस कर सकता है, आइल्स हो या नहीं होए डजेंट मैटर। कल बच्चे का साढ़े का वीज़ा है, वह जस्ट ड्यूलिंगो दे विच 105 बहुत घट स्कोर होंगे, 105 स्कोर नाल उदा, क्योंकि 105 स्कोर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट मिनिमम सीगी जी। अदरवाइज जेड़ा है एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, खाली दो क्वेश्चन पूछे वाई दिस यूनिवर्सिटी और तू डबल मास्टर, मीनस तुसी देखो डबल मास्टर वास्ते बच्चा जा रहा है जी, ते उन्हें कहा कि मतलब जो भी चीज़ दसती एंड शी गॉट द अप्रूवल फॉर द वीज़ा। प्रोसेस की है यूएस का, बच्चा आया मेरे को एक बार गल करता है जाती है मेरे स्टाफ को, असी इंग्लिश दो मिनट गल करके देखते हैं जी, जे सानू लगता बच्चा कॉन्फिडेंस अच्छा है तो वह इमीडिएट असी अपरूवल दे दें कि वीज़ा वास्ते अप्लाई कर सकते हो। अगेन मैं अपना टाइम और बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, जिदा कॉन्फिडेंस नहीं है, मान लो बच्चे के 7 बैंड है लेकिन बोलन च उहदा कॉन्फिडेंस नहीं है, असी उन्हूं मना कर देंगे, लेकिन चाहे बैंड उहदे नहीं है या 5.5 बैंड है उहदे भी असी वीज़ा लिया दें जो उहदा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उत्थे फेस टू फेस इंटरव्यू है जी। सैकेंड, जब बच्चा आएगा डॉक्यूमेंट्स देगा उहदे नाल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने पैंदे आ, क्योंकि जिहड़ी I-20 है उस टाइम वह फाइनेंशियल देख लेंदे उन्हां दी कैपेबिलिटी जी। जे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है तो एम्बेसी नूं फाइनेंशियल्स दे नाल ज़्यादा मतलब नहीं है, वह यूनिवर्सिटी नूं मतलब है, तो उस टाइम तुहाडे क्वालिफिकेशन दे चले गए, आइल्स, टोफल, PTE कुछ किया ठीक है, नहीं किया तां वी ठीक है, तुसीं अप्लाई कर सकते हो राइट। ਤੁਹਾਡੀ ਜਦ I-20 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਡੇਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਬਮਿਟ ਯੋਰ ਫੀਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਯੋਰ ਫੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਫਲਾਈ, ਅਤੇ ਇਟਸ ਸੱਚ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਐਂਡ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ और बैंड ठीक है तुसी कैनेडा आस्ट्रेलिया जिथे मर्जी अप्लाई कर लो, बट कुछ चीज़ा जिहड़ी इत्थे फेवर च जांदियां, ज़्यादा गैप वाले बच्चों नूं आस्ट्रेलिया नहीं लैंदा, तो यूएस दे विच जिन्ना मर्जी गैप होए डजंट मैटर, तुहाडे आइल्स दे बैंड है या नहीं है डजंट मैटर, मास्टर्स कीती हो या डबल मास्टर वास्ते जा रहे हो, थर्ड मास्टर वास्ते जा रहे हो डजंट मैटर। ये बहुत सारे जेडे पॉइंट्स हैं, फीस आफ्टर वीज़ा जेड़ा आस्ट्रेलिया विच नहीं मिल रहा, तो ये सारे जेडे पॉइंट्स हैं ये बच्चे नूं अट्रैक्ट करते हैं यूएस जाने वास्ते। उस तो बाद इत्थे स्टेम कोर्सेज तुसी पूछोगे की चीज़ है, बच्चे नूं 3-year post-study work permit या 1-year post-study work permit,
जब बच्चे का कोर्स स्टेम कोर्स है, स्टेम का मतलब है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, जे इन्हां दे विच आया ते ओह उन्हूं मिलता 36 मंथ का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। किसी भी कंट्री विच 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बच्चे दे वास्ते बहुत होंदा है, क्योंकि कोई भी बच्चा जॉब लैके अपनी सैटलमेंट की तरफ जाता है। जे वो नॉन स्टेम कोर्स है तो 1 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। तो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियों में जिहड़े नॉन स्टेम कोर्स है उन्होंने भी एक अद्धा कोई IT का या कुछ इदा का कोर्स पा के उस स्टेम बना दिता जाता है, जिस तो कि बच्चे का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लंबा मिल जाए। तो ये बाद जिहड़ी फीस है, हुण मेरी एक बच्ची गई सी शिमला तो, ट्विन सीगियां सिस्टर जी, मैडिकल स्ट्रीम तो सी। हुण तुसीं सोचो मैडिकल स्ट्रीम वाला बच्चा कह रहा है, एक तो सिस्टर ने साइकोलॉजी विच जाना सीगा, एक कहिंदी मैं जाना ही साइबर सिक्योरिटी IT विच जाना जी। ठीक है, हूँ जब असी अप्लाई किया यूनिवर्सिटी भी अच्छी यूनिवर्सिटी, क्योंकि असी सारी रैंकिंग यूनिवर्सिटियों विच अप्लाई करते हैं जी, उन्हों यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर की जिहड़ी अकोमोडेशन टोटल फ्री दित्ती, फीस सीगी आलमोस्ट 19,000 समथिंग। 1 ईयर की अकोमोडेशन की भी मैं लगता कास्ट $10,000 तो उपर होनी सी, जिहड़ी कि उन्होंने रहना खाना पीना तीनों मिला के वह फ्री दिता है। तो दैट्स अ बिग थिंग कि उन्होंने 1 ईयर की अकोमोडेशन वो नाल विद फूड सारा फ्री हो गया। तो US दे विच की है, इंटैलीजेंट बच्चा जो अच्छा बच्चा होए उन्होंने स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाती है। बस छोटी सी एक चीज़ है कि तुसी इंटरव्यू कॉन्फिडेंस नाल देना, वाई दिस कोर्स, वाई USA, हु इज स्पॉन्सरिंग योर स्टडीज़, 3-4 क्वेश्चन होंगे जिहड़ी साडी टीम तुहानूं प्रिपेयर कराती है। बिल्कुल ठीक है जी, सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुसीं दित्ती। मैनूं लगता है मैनूं होर इस वक्त सवाल पूछने की जरूरत नहीं पैनी, क्योंकि बहुत कॉम्प्रीहेंसिव और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुसीं है जिहड़ी USA दे लई दित्ती है। सो स्क्रीन ते नंबर है, कोई भी स्टूडेंट होर क्लैरिटी चाहिए है, कोई कन्फ्यूजन है उन्होंने दूर करना है, तुरंत तुसीं इस नंबर पर फोन करो तो मैडम वीना गोयल होरां दे नाल तुसीं खुद गल करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।